मैं तो अपने बदतरीन दुश्मन के साथ भी बदजबानी नहीं कर सकता। मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे 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 तरबियत दी है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर आवाज है, खुदा की कसम अल्लाह के अलावा किसी की परवाह नहीं है। जो बलूचिस्तान में हुआ, मुझे अफसोस इस बात पे है कि बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा सीरियस वाकियात हुई, इतनी ज्यादा जो है ना, यानी हमारे फौजी मरे, हमें इस पे अफसोस है। अगर पंजाब के मजदूर मरे, हमें इस पे अफसोस है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह हुकूमत हो रही है और जिस तरह बलूचिस्तान में रवैया रखा जा रहा है, यानी उस दिन बात हुई, कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं बोला। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आए कौम के सामने रखे कि वो इस बलूचिस्तान में क्या पॉलिसी अपनाए हुए हैं। बलूचिस्तान में सेनेट में उन्होंने डिबेट की, स्पीकर साहब, नेशनल असेंबली में नहीं हुई। सबसे बड़ा हाउस ये, इस हाउस में बात होना चाहिए। मेरा मुतालिबा ये है कि अख्तर मेंगल साहब आ गए, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, आप इसको बात भी करने देंगे, आप हुकूमत की पॉलिसी वाजह करें कि बलूचिस्तान को कैसे हैंडल कर रहे हैं। इनके हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है। आज जो है ना, पूरी बलोच की आवाम जो है ना, वो मारंग बलोच के साथ है। एक बिचारी, एक खातून, एक बच्ची, और इसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू किए हुए हैं कि जो मारंग बलोच जो है ना दशदर को सपोर्ट कर रही कर रहे हैं। बहुत अफसोस है, खुदा रहा इस मुल्क के साथ रहम करे। मैं तो देख रहा हूँ कि इस मुल्क में जो ना खाना जंगी की तरफ जा रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि मुल्क अनार्की की तरफ जा रहा है। मेरी उम्मीद है आप स्पीकर साहब, आपका चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डिबेट करवाएं, इस पे डिस्कशन करवाएं, सोल्यूशन निकलवाएं।